प्रथम तहलका न्यूज। रुड़की चकबंदी विभाग का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। घोटाला भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 7 करोड़ रुपए का है। आरोप है कि चकबंदी विभाग के अधिकारियों ने भू माफियाओं के साथ मिलकर 7 ही दिनों में बड़ा घोटाला कर दिया। जगजीवन राम नाम के एक शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले को उठाया है। ये मामला रहमतपुर गाँव का है, जहाँ से दिल्ली हरिद्वार के लिए बाईपास मार्ग बनना है, जिसे लेकर बड़े पैमाने पर ग्रामीणों की जमीनें एनएच को खरीदनी है। आरोप है कि चकबंदी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ग्राम पंचायत की जमीन कुछ भू माफियाओं के नाम पर मात्र 7 ही दिनों में बलि चढ़ा दी गई। यानी कि 9 अप्रैल 2021 को चकबंदी विभाग में फाइल जमा की गई और 16 अप्रैल 2021 में उस पर ऑर्डर भी कर दिए गए। और इसके साथ ही बड़ी बात तो यह है कि 19 अप्रैल 2021 में दाखिल खारिज भी कर दिया गया, जबकि दाखिल खारिज के बाद चकबंदी कोर्ट में फाइल चलनी चाहिए थी। इस मामले को एसओसी ने गलत माना है, पर संबंधित फाइलों में उनके भी हस्ताक्षर हैं। यह है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर धामी जी, उन्होंने पूरे उत्तराखंड जिले के जितने भी कर्मचारी अधिकारी गण हैं उनको सख्त आदेश ये निर्देशित किए हुए हैं कि समस्या जनता की समस्या को सुनने के लिए 10 से 12 बजे तक प्रत्येक अधिकारी अपने कार्यालय में उपस्थित होगा, जिसको लेकर हमने कल यहाँ सांकेतिक धरना दिया था और आज हमें वार्ता के लिए उन्होंने एसडीएम साहब ने वार्ता के लिए आश्वासन दिया था कि वार्ता कराकर एसओसी से और यहाँ 10 से 12 तक ये अपने कार्यालय में जनता की समस्या सुनने के लिए बैठेंगे। दूसरा मामला मैं आपके संज्ञान में एक और डालना चाहता हूँ कि जो अभी रहमतपुर में एक अपील संख्या 275 माननीय एसओसी साहब दीवान सिंह नेजी के द्वारा आदेश पारित किया गया है 16/4/2021 में, जो लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी है उसमें, और उसमें इनके जो कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी गण हैं वो भी सब इन्वॉल्व हैं। उन्होंने सचिन भूमापिया के साथ मिलकर मोटे पैसे लेकर साठ गांठ कर 7 करोड़ रुपए की जमीन में फर्जीवाड़ा किया है। 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने 1 महीने में ही वो जमीन प्रमोद जौहर जो है यहीं रुड़की का व्यापारी है उससे क्रय की थी, और 1 महीने के अंदर ही उसका दाखिल खारिज भी हो गया, 1 महीने के अंदर ही उनका चक भी प्रस्तावित हो गया, 1 महीने के अंदर ही सारी प्रक्रिया होकर 6 से 7 करोड़ रुपए का इन्होंने एसओसी साहब ने उनके साथ में साठ गांठ करके गेम किया है, जिसमें ये सब लोग इन्वॉल्व हैं। हमारी मांग ये है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो और उनको जेल जाना चाहिए और जेल जाएंगे। अगर ये इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कराते तो हम इसके खिलाफ तहरीर देंगे थाने में और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। उनके संज्ञान में भी हमने डाला है माननीय मुख्यमंत्री जी के, ये पूरा प्रकरण रहमतपुर का जो NH-58 और जो अन्य घोटाले इनके द्वारा किए गए हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि जो SIT चल रही है उसी को हम अच्छी तरीके से उसका गठन करके ये पूरी चकबंदी की हम यहाँ पे जाँच कराएंगे। तो फिलहाल क्या आश्वासन मिला आपको? फिलहाल इन्होंने एसओसी साहब ने मुझे ये आश्वासन दिया कि 6 से 7 दिन के अंदर मैं जो भी दोषी व्यक्ति इसमें हैं और जो भूमापिया सचिन भूमापिया रूमा गुरमुख है, रविंदर गिरी है रहमतपुर के, जिन्होंने पूरा ये गेम इनके साथ साठ गांठ करके किया है और कोर्ट में 1 भी दिन ये फाइल नहीं चली है, उसको उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई FIR दर्ज कराने का आश्वासन दिया है एसओसी साहब ने, दीवान सिंह नेगी जी ने। और जगजीवन राम ने मामले को उजागर कर तमाम चकबंदी विभाग और भूमाफियाओं की पोल खोलते हुए मुख्यमंत्री तक से मामले की शिकायत की है, जिसमें COCDS नेगी ने 7 दिन में मामले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। पर एक बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि चकबंदी विभाग के इन अधिकारियों पर अब से 2019 में भी एक चकबंदी घोटाले की जाँच SIT के द्वारा की जा रही थी, जो की 2 सालों में पूरी भी नहीं हो सकी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 7 दिनों में ये जांच पूरी हो पाएगी? प्रथम तहलका के लिए रुड़की से सोनू कुमार की रिपोर्ट।